आप सबको नमस्कार। 8 तारीख से लेकर 11 तारीख के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड बाकी जो भी वीडियोस हैं सब्जेक्ट वाइज मैथ्स की, इंग्लिश की, अब जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनको मेल आईडी पे वीडियोस मिल रही होंगी प्लस पीडीएफ भी। ये मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर डाल दूंगा, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है 8 जून को। वर्ल्ड एग्रीडिएशन डे ये मनाया जाता है 9 जून को। इस बार की थीम थी इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। तो ये दो दिवस इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है ये 2022-2023 तक अपने गांव के इलाकों में टैप वाटर कनेक्शन देगी अंडर जल जीवन मिशन। कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका की लोकसभा की सीटें हैं 28, राज्यसभा की सीटें हैं 12, असेंबली की सीटें हैं 255 और विधान परिषद की सीटें हैं 75। डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गवर्नर श्री वाजूभाई वाला और चीफ मिनिस्टर श्री V.S. येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कमेटी बनाई है, ये एज एग्जामिंग की कमेटी है। हमारे देश के अंदर कई जगहों पे आज भी बाल विवाह होते हैं और जिनके कारण जो हमारा मर्टिनिटी रेट है वो कम होता जा रहा दिन ब दिन। इसको देखते हुए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बनाई है, जिसकी मिनिस्टर हैं स्मृति इमरानी जी। स्मृति ईरानी अमेठी से आती हैं, ठीक है जी। ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं प्लस टेक्सटाइल की भी मिनिस्टर हैं। इस कमेटी की जो हेड हैं उनका नाम है जया जेतली जी। जी हैं जया जेतली जी, काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी है इंडिया के अंदर। भारत सरकार ने 101,500 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए जारी करा है वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए। मनरेगा की फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसके अंदर रूरल एरिया के अंदर 100 दिन का आपको वेज एम्प्लॉयमेंट देती है भारत सरकार। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के ऊपर फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया था। हम पहले फसाई की बात करते हैं। ये 2011 में फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है, चेयरपर्सन है रीता और CEO है अग्रवाल जी, सॉरी अरुण सिंघल। इस लिस्ट के अंदर 3 स्टेट्स की कैटेगरी को बांटा गया था, लार्ज स्टेट जिसमें टॉप करा है गुजरात ने, सेकंड है तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ट्रिक कैसे है, जीटीएम गुजरात तमिलनाडु महाराष्ट्र लार्ज स्टेट्स हैं जो कि फसाई के अंदर हैं फूड सेफ्टी इंडेक्स। स्मॉल स्टेट्स की बात करते हैं, गोवा मणिपुर मेघालय GM2। गोवा मणिपुर मेघालय। और बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, चंडीगढ़ दिल्ली अंडमान CDA। तो लार्ज स्टेट के लिए है आपका GTM। स्मॉल स्टेट के लिए GM2, गोवा मणिपुर मेघालय
एनसीडीए फॉर यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। आगे बढ़ते हैं, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, इसको बनाता है येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ये साथ में मिलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, ये तीन संस्थाएं मिलकर बनाती हैं, येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्लस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस बार टोटल 180 कंट्रीज थी जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इंडिया की रैंक की बात करूँ 168 है और हमारा ईपीआई स्कोर है 27.6। टॉप कर है डेनमार्क ने, डेनमार्क की रैंक है 1, इसका ईपीआई स्कोर है 82.5। लास्ट पे है आपका लेबरिया, इसकी रैंक 180, ईपीआई स्कोर 22.6। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए ये मैंने लिंक दे दिया है, आप यहाँ जा सकते हैं और डाटा पढ़ सकते हैं। जावेद अख्तर जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, इनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला 2020 के लिए। ये भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड अब तक कुल 18 बंदों को दिया जा चुका है, ठीक है जी, जो सोशली कोई अच्छा काम करते हैं। कर्नाटका के एक्टर चिरंजीवी जी, इनकी डेथ हो गई है। राजस्थान की सरकार है, इन्होंने राज कौशल पोर्टल चालू करा है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और जो वर्ल्ड बैंक है इसने 1950 करोड़ का लोन दिया है वेस्ट बंगाल को कोविड-19 के लिए। ओडिशा की सरकार ने वंदे उत्कल जनानी अपना स्टेट एंथम बना लिया है। ओडिशा की बात करें 18 सीटें हैं लोकसभा की, 10 सीटें हैं राज्यसभा की, 147 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, 30 यहाँ पर हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट। गणेशी लाल जी प्रोफेसर हैं, नवीन पटनायक इनके आपके चीफ मिनिस्टर हैं। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, 21 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है, सॉरी यार 21 सीटें हैं लोकसभा की। आगे बढ़ते हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं रंजीत कुमार जी, इन्हें नासा ने अवार्ड दिया है पब्लिक सर्विस मेडल। आगे बढ़ते हैं, सोनू सूद, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं अपने अच्छे कार्यों के लिए, ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं गार्गो इंटरनेशनल के। गार्गो इंटरनेशनल एक लुब्रिकेंट कंपनी है, दिल्ली बेस्ड। आगे बढ़ते हैं, बुरुंडी के राष्ट्रपति की डेथ हो गई है, इनका नाम है प्रेरी। कैपिटल की बात करेंगे तो गीतिका इसकी कैपिटल है पॉलिटिकल, और बाजुम्बारा इकोनॉमिक कैपिटल, ठीक है जी। बुरुंडी ये देश है, इसके पड़ोसी देश रवांडा है, तंजानिया है और आपका कॉन्गो है, कॉन्गो भी तीन है जी, ठीक है जी। यूपी की सरकार ने काउ स्लॉटर प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल जो है पास कर दिया है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये पुणे के अंदर है, इन्होंने अनन्या नाम का एक स्प्रे बनाया है, वाटर स्प्रे है कोविड-19 के लिए। आपको पता होगा अमेरिका में हर 4 साल के बाद चुनाव होते हैं, आफ्टर एवरी 4 ईयर। अब चुनाव होंगे वो 2020 में होंगे। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन से जीत के आए थे और आपके जो डेमोक्रेटिक्स हैं उन्होंने अब ऑफिशियली जॉय बिडेन को, जो पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं अमेरिका के, इन्हें जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेट करा है।
डोनाल्ड ट्रंप 45वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और ये हैं जो बाइडेन जी, ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, याद रखिएगा। इंडिया डेफ क्रिकेट टीम 2021 में जो वर्ल्ड कप होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगी, ये होगा यूएई के अंदर, ठीक है। G20 21 बिलियन जो है देने का इन्होंने निर्णय लिया है COVID-19 की पेंडेमिक के लिए। थैंक यू।